कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनता कर्फ्यू की घोषणा की है, जिससे गरीब लोगों को जीवन यापन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नर्मदे युवा सेना की टीम ने मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। नर्मदे युवा सेना की टीम गरीब बस्तियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन वितरित कर रही है। नर्मदे युवा सेना सदैव समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका में रहती है, फिर चाहे वह कोविड-19 से बचाव हो, चाहे निःशुल्क मास्क वितरण या किसी गरीब की मदद करना हो। लॉकडाउन की इस विषम परिस्थितियों में नर्मदे युवा सेना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आई है। नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम द्वारा गरीब बस्तियों में जाकर हजारों गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन में जो लोग रोज कमाकर खाते थे, आज उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं है। छोटे बच्चे भूखे सोने पर विवश हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में नर्मदे युवा सेना ने इस बात का बीड़ा उठाया है और इस अभियान की शुरुआत की है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इस अवसर पर नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल, प्रवक्ता सोनू सोना ने, महिला रक्षा मंच से रोशनी ठाकुर, डॉली सोनी, प्रदेश आईटी सेल संयोजक अखिलेश सिंह तंवर, मीडिया प्रभारी गौतम शर्मा, मोनू सोनोने और सूरज सांगते सहित नितिन सोनी आदि लोग उपस्थित रहे। जिस प्रकार से लॉकडाउन में गरीबों की स्थिति जो है, उन्हें राशन पानी नहीं मिल रहा है, और जैसा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर उनके पास राशन कार्ड होते हुए भी सरकार की व्यवस्था इतनी विफल है कि उन लोगों तक राशन नहीं पहुँच रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो बहुत ही दुखद सिचुएशन है और बहुत ही विकराल स्थिति है। नर्मदे युवा सेना के माध्यम से हम सभी लोग हर बस्ती में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, और हर जगह एक ही चीज़ सुनने को मिल रही है कि इन लोगों के पास रहने खाने पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो भी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं वो सिर्फ सामाजिक संस्थाओं द्वारा कराई जा रही हैं। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे स्थानीय यहाँ के राजनेता हैं, जो सिर्फ चुनाव के समय अपनी राजनीति करते हैं, उन कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। हमें देखना पड़ेगा, हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को, सरकार को, स्थानीय राजनेताओं की इस तरीके से उन लोगों की जो उदासीनता है वो निश्चय ही बहुत ही दुखदपूर्ण है। और आप देखेंगे कि जहाँ पर भी, क्योंकि हम लोग तो बस्ती बस्ती जा रहे हैं नर्मदे युवा सेना के माध्यम से, और हमारे सभी जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, कि जहाँ पे अब जो भी हो पा रहा है वो सिर्फ सामाजिक संस्थाओं द्वारा हो पा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि हम सिर्फ सरकार के भरोसे ना बैठें, उनको तो चेताया जाएगा ही, लेकिन अब हम सिर्फ मानवीय एकता के साथ और जीवंतता के साथ ही इस जंग को जीत सकते हैं। और बाकी मेरी गुजारिश है स्थानीय नेताओं से कि जो राजनीति सिर्फ अपने भले के लिए करते हैं, इस समय वो समय है कि इन सब चीज़ों को भूल के हमें अपनी समाज के प्रति सजग होना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए नर्मदे युवा सेना का अगला चरण क्या रहेगा? देखिए, नर्मदे युवा सेना यथाशक्ति जो भी कर सकती है वो बस्ती बस्ती जाके सब लोगों की हेल्प कर रही है। इसके द्वारा हम उन स्थानीय नेताओं को, प्रशासन को, शासन को, सरकार को आंदोलन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चेताएंगे और उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराएंगे। देखिए, आज एक भी पूरे लॉकडाउन में, आज एक महीना होने को आ गया है, 20 दिन हो चुके हैं, और एक भी नगर निगम का अधिकारी, एक भी प्रशासन का अधिकारी, एक भी कलेक्टर का प्रतिनिधि, कोई भी किसी भी बस्ती में अभी तक नहीं पहुँचा है। इस प्रकार की उदासीनता मेरे ख्याल से ये हमें वापस आपातकाल से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति में ले जा रही है। ये लॉकडाउन की जो निगेटिव स्थिति है वो बन रही है, इसमें आपके राशन कार्ड है तो भी आपको राशन नहीं मिलता है, इसमें आप किस तरीके से अपना जीवन जाते हैं? हमने जितने दिन काम करे तो वही पैसा जमा कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, अभी तो वो भी खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया, कोई देने आता तो खाना वाना ले लेते हैं, वही खाते हैं। बाकी दिन कैसे गुजारे? उनसे मदद मांग लिया था भैया, हमको लॉकडाउन में लगी रहा था, 1,500 रुपया, 200, 300 जो भी उनकी मदद से दे देते थे भैया, कल कटवाएगा उधार पानी भी कर लेते हैं, बर्तन सामना मानने जाते हैं, उनसे भाई बहन से भी दे देते, भैया भी दे देते, कोई अच्छा मनक उनसे लिपटे ले लेते हैं, कोई सहायता नहीं कर रहा है, यहाँ तो कोई भी सहायता ही नहीं है, सब कोई सहायता नहीं है, हमारे पास ऐसा कार्ड होते सोते हमको सरकार प्रशासन कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही। कल शाम को कोई भैया आया था, रोटी सब्जी बांट गया था, झूठ नहीं बोले, कल शाम को आया था, तभी से रोटी सब्जी बांट गया था खाना देने के लिए। अच्छा, नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले इनके माध्यम से पहले मास्क फटे थे, आपका ध्यान हो, ये पूरी टीम हमेशा आते रहते हैं, इस बार भी अनाज का पूरा सामान लेकर आए किराने का, अभी आप क्या समस्या से अवगत कराना चाहते हैं ताकि मुख्यमंत्री तक संदेश पहुँचा जा सके? हमारे को तो ये राशन पानी चाहिए, हमारा कभी बहुत दिक्कत आ रही है, चाय शक्कर से परेशान हो गया, चाय शक्कर तेल ले बजाओ तो कल 80 रुपए का आधा किलो तेल लग गया, मैं खुद 150 रुपए किलो तेल हो गया है।
80 को जो हमको डेली ले आया था राशन कार्ड से तो मिलना ही चाहिए, शक्कर चाय भी नहीं मिली, ऐसे समय मिलना चाहिए, बहुत दिक्कत है। पहला कंट्रोल से शक्कर भी मिलती थी वो बंद हुई, खाली 4 किलो को, अच्छा एक महीने में 4 किलो गेहूँ देते, एक महीना में 4 किलो आदमी को निकलता भी नहीं, 1 किलो चावल देते, 5 किलो में कुछ भी नहीं हो रही हमारे, एक किलो चावल और 4 किलो गाँव देता हमको एक मनक के एक महीना, तो क्या हुआ गुजारा, काम धंधा तो कहीं जाने नहीं दे रहे, जाते हैं तो पुलिस वाले भगा देते हैं, भगा देते हैं, नहीं जाने देते कहीं भी, काम धंधा तो कहीं नहीं जाते।